लेक्चरर के तौर पे पढ़ा भी रहे धर्मवीर जी। आज के इस कार्यक्रम में मैं सभी योग प्रेमियों का, प्रकृति प्रेमियों का, योग जिज्ञासुओं का, योग साधकों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंचा सिंह सभी अतिथिगण, उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, और यहाँ पर जिनको मैं जानता हूँ और नाम से और नहीं जानता उनका भी मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। योग सामान्य जन के लिए जीवन पद्धति है, रोगियों के लिए औषधि है, और जो विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए लचक के रूप में खेल है, और जो आध्यात्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं, उनके लिए मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। ये मैंने बहुत ही कम शब्दों में आपको योग की बातें बताई। किसी के लिए योग है और किसी के जीवन के लिए योग है। और माननीय राजेश बत्रा जी, लगभग आज से 7-8 साल पहले मैंने एक लेख, पता नहीं कैसे मैंने मेल पर भेज दिया, वेलनेस केयर पे सर का फोन आता है काफ़ी दिनों बाद कि आपने जो लेख भेजा था ये बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके और इस फॉन्ट में भेजिए। आई वॉज सरप्राइज, मैं सरप्राइज था कि मतलब तो मेरे लेख को एक्सेप्ट कर लिया। और उसके बाद मेरी लेख लिखने की श्रृंखला ही शुरू हुई। मैंने 4 पुस्तकों पर काम भी किया है जो पूरे भारत के काफ़ी बड़े बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ाई भी जाती हैं। और बीच बीच में सर मोटिवेट करते रहते हैं, और सर ने मुझे आगाह किया कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और ऐसे निरंतर करते रहें, और अब की बार का जो सम्मान है वो आपको हमारी संस्था देना चाह रही है। तो मैंने भी सहर्ष स्वीकार किया। तो मुझे अच्छा लगा कि राजेश बत्रा जी जो पूरे क्षेत्र के जो योग के महारथी हैं, योग के जो दिग्गज हैं, उनको मिलाने की कोशिश करते हैं। और ये भी अच्छी बात है सर, 21 जून को ना करके 20 जून को करते हैं। शायद 21 जून को करते तो हमें से बहुत लोग मे भी हो सकता है नहीं उपस्थित हो पाते। तो मैं अंत में 2 लाइन कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हालांकि मैं MSc स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ और कुछ स्टूडेंट्स मेरे अंडर में डॉक्टरेट भी कर रहे हैं कि तुझको बेहतर बनाने की कोशिश में तुझको ही वक्त नहीं दे पा रहे हम, माफ करना है जिंदगी, तुझको ही ठीक से नहीं जी पा रहे। खुद से ज्यादा संभाल के रखता हूं मोबाइल अपना, क्योंकि अब सारे रिश्ते इसी में गए थे। मैं सर के लिए भी बोलना चाहता हूं 2 लाइनें।